तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। और दोस्तों, इस समय हम हैं घंटा घर रायबरेली में। आप ये मेरे पीछे ठीक देख पा रहे होंगे, ये चौहान मार्केट है। और तो दिखाते हैं हम आपको रायबरेली की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल्स मार्केट, और उसके साथ ही हम चलेंगे रायबरेली की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट में भी। तो दोस्तों, ब्लॉग में शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, ले चलते हैं हम आपको चौहान मार्केट रायबरेली में। और ये पीछे का गेट है दोस्तों, और हम आपको रास्ता दिखाएंगे घंटाघर की तरफ से। तो दोस्तों, इस समय देख रहे होंगे आप, हम खड़े हैं घंटाघर रायबरेली में, और ठंड का समय है और समय हो रहा है 6। और आप देख रहे होंगे चारों तरफ दुकान में लाइटिंग वगैरह। और ये ठीक सामने है घंटाघर चौराहा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं आज मोबाइल मार्केट। और मोबाइल मार्केट जाने के लिए आपको घंटाघर से जस्ट बगल में डाकघर के बगल से रास्ता जाता है अंदर की तरफ, और आप पहुंच जाएंगे पीछे घंटाघर की तरफ। तो चलिए दोस्तों, हम लेके चलते हैं आपको। ये दोस्तों घंटाघर डाकघर के जस्ट बगल वाली गली है, और इस गली में है दोस्तों रायबरेली की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट। ये आप देख रहे होंगे दोस्तों, मोबाइल की बड़ी बड़ी दुकानें हैं। ये भी दुकान मोबाइल की है दोस्तों, और इस तरफ एक लाइन से आपको दुकानें मिलेंगी। और यहाँ पर सभी प्रकार के मोबाइल स्पेयर पार्ट्स और उनके बैक कवर वगैरह मिल जाएंगे आपको। ये एक बड़ी मोबाइल की दुकान है, और यहीं पर बगल में मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह का भी काम होता है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और सामने की तरफ भी मोबाइल की ढेर सारी दुकानें हैं। चलिए हम दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए ऊपर दोस्तों, मोबाइल की ढेर सारी दुकानें हैं, और ये पूरी मार्केट मोबाइल मार्केट के नाम से फेमस है दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये रायबरेली की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट है, और रायबरेली के आस पड़ोस के गांव से लोग यहां आते हैं और स्पेयर पार्ट्स वगैरह ख़रीदते हैं, और मोबाइल भी यहां पर रिपेयर कराते हैं। इस तरफ भी मोबाइल की दुकानें हैं। तो दोस्तों, डाकघर के पीछे जितनी भी मार्केट है, ये सारी मोबाइल मार्केट आप सामने देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर आपको सारा स्पेयर और सभी प्रकार के नए मोबाइल और पुराने मोबाइल और रिपेयरिंग वगैरह का काम यहाँ पर होता है, आप देख पा रहे होंगे। ये दोस्तों मेनली मोबाइल मार्केट ही है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का ही काम होता है, आपके सारे काम हो जाएंगे और स्पेयर वगैरह भी सारा मिल जाएगा दोस्तों आपको। और ये बगल से भी दोस्तों रास्ता गया है, इस तरफ भी मोबाइल की मार्केट है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल्स मार्केट भी है, लेकिन नीचे जितनी भी मार्केट है, ये सारी मोबाइल की मार्केट है, आप सामने देख रहे होंगे, कवर वगैरह रिपेयरिंग वगैरह। ये सब मोबाइल मार्केट है दोस्तों। और अगर आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, तो आपको आना पड़ेगा घंटाघर के जस्ट पीछे, क्योंकि रायबरेली की सबसे बड़े मोबाइल के डीलर आपको यहीं पर मिलेंगे, और बहुत ही वाजिब रेट में आपको मोबाइल वगैरह और रिपेयर वगैरह जितना भी किट है वो सब भी मिल जाएगा आपको।
ये इधर सामने की तरफ भी आपको मोबाइल मार्केट मिलेगी। और ये इधर भी मोबाइल की ढेर सारी दुकानें हैं दोस्तों, तो अगर मोबाइल से संबंधित आपका कोई भी कार्य है तो वो यहाँ पर हो सकता है। और ये है घंटाघर चौराहा दोस्तों, और घंटाघर से चौराहे से आप सुनार मंडी की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए दोस्तों, दोनों तरफ दुकानें लगी हुई हैं, रात का समय है। और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद आप मुड़ जाएंगे तो आप चौहान मार्केट में पहुंच जाएंगे। और चौहान मार्केट में है रायबरेली की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक मार्केट। तो चलिए दोस्तों, हम आपको लेके चलते हैं रायबरेली की इलेक्ट्रिक मार्केट। और ये मोड़ चौहान मार्केट के लिए जाता है दोस्तों। बगल में हार्डवेयर वगैरह की दुकानें हैं, इधर भी हार्डवेयर वगैरह की दुकानें हैं। और ये जस्ट बगल में है पीएनबी बैंक। तो दोस्तों, आप सामने देख रहे हैं, हम पहुंच गए हैं चौहान मार्केट रायबरेली में। और चारों तरफ जगमगाती हुई लाइट की दुकानें, और रायबरेली की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक मार्केट है दोस्तों। तो दोस्तों, ये है रायबरेली की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल मार्केट। आप देख रहे होंगे चारों तरफ बिजली की दुकानें हैं, और इसका एक रास्ता इस तरफ है दोस्तों। भैया आ रहे हैं। और इसका दूसरा रास्ता इस तरफ है दोस्तों, जो पीएनबी बैंक के जस्ट बगल से सीधे आप जाएंगे जिस रास्ते से मैं आया था। तो दोस्तों, ये दो मार्केट हैं। ये मार्केट इलेक्ट्रिकल बिजली के लिए फेमस है, और आपको जो मैंने अभी पहले दिखाया वो मार्केट दोस्तों मोबाइल के लिए फेमस है। और रात के समय ये बहुत ही लाइटों से जगमगा जाती है, और यहाँ पे सभी प्रकार की फैंसी लाइट वगैरह, और आपको जितनी प्रकार की लाइट आपने मार्केट में देखी होगी या जो भी आपने आस पड़ोस में लगी होगी, वो सब यहीं से जाती है दोस्तों। इधर भी इलेक्ट्रिकल्स की दुकानें हैं दोस्तों, आप सामने देख रहे होंगे। और इधर भी इलेक्ट्रिकल्स की दुकानें हैं। तो दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे, इस समय हम चौहान मार्केट की दूसरी मंजिल इमारत पर खड़े हैं, और सामने आप देख रहे होंगे चारों तरफ जगमगाती हुई दुकानें हैं। और दोस्तों, ये रायबरेली की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल्स मार्केट है चौहान मार्केट। और बिजली से संबंधित आपको सारा सामान यहाँ से मिल जाएगा, और रिपेयरिंग वगैरह भी यहाँ पर सब कुछ होता है दोस्तों। और इसी तरफ ये सामने मस्जिद है दोस्तों, और इसके इस तरफ भी बिजली की ढेर सारी दुकानें हैं। और चौहान मार्केट आने के लिए एक उस तरफ से रास्ता है, और दूसरा रास्ता दोस्तों इस तरफ से है। तो मैं इस तरफ से आया हूं, और आप देख रहे हैं सामने की तरफ दुकानें, ये सारी दुकानें इलेक्ट्रिकल्स की हैं दोस्तों। और रात में पूरी मार्केट जगमगा रही है दोस्तों।
थोड़ा सा ठंड की वजह से आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ भीड़ भाड़ कम है, लेकिन बाकी दिन में और गर्मियों के समय में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है दोस्तों। और पूरी रायबरेली ज़िले का मिस्त्री और आदमी यहाँ पर लाइट का सामान खरीदने के लिए आता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम आपको नीचे ले चलते हैं और दिखाते हैं कुछ और नज़ारा। और सामने की तरफ भी दोस्तों आपको मोबाइल की ढेर सारी दुकानें दिख रही होंगी। कुछ दुकानें बंद हो चुकी हैं और कुछ दुकानें अभी खुली हुई हैं। और हम खड़े हैं इस समय मोबाइल मार्केट में, आप देख रहे हैं। और ये है रायबरेली की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग को यहीं पर करते हैं समाप्त। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना और अपने प्रियजनों का रखें ध्यान और ठंड से बचें दोस्तों। तो साथ ही ब्लॉग को करते हैं समाप्त। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक सभी देखने वालों को धन्यवाद।